तो दोस्तों आज एक दुखद घटना हो गई। कबीर नगर इलाके में गली नंबर 4 में एक 4 मंजिला इमारत जो है जमी दोष हो गई। बराबर में घर जो बन रहा था उसकी वजह से बराबर वाली इमारत गिर गई और 4 लोग जो उसमें काम कर रहे थे वो दब गए। एक लड़का बाहर गया 5 मिनट पहले, उसने बताया कि मकान गिरने के बाद उसने बताया कि 4 लोग जो है अंदर हैं। तो जब सबने कोशिश करी, फोन करा एम्बुलेंस को और 100 नंबर की गाड़ी को, तो जब गाड़ी और ये जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो बचाव कार्य करना चालू करा, तो उससे पहले वहां के लड़कों ने और आवाम ने बहुत ही मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया और मलबा हटाने का काम किया, जिसमें कुछ मलबा हटाने में दिक्कत आई, गार्डर वाडर फंसे हुए थे तो ग्लेंडर वाले को हाथों हाथ बुलाया गया तो वो भी आ गया। तो ये जो है बड़ा ही दुखद घटना थी। सारे लोग रात को रोड पर ही थे, जो देख रहा था लाइव जो चल रहा था हिंदुस्तान लाइव पर, फरहान याहिया जो हिंदुस्तान लाइव के चीफ हैं वो चला रहे थे, तो उस जो भी लोग लाइव देख रहे थे, मैं भी लाइव देखकर गया था, और जो भी लोग थे वो बेचारे लाइव देख कर वहाँ पे भाग रहे थे, और भागने के बाद जैसी भी हो रही थी मदद कर रहे थे, मदद करने के बाद लोगों को बचा रहे थे। कुछ लोगों के रोजे भी छूट गए, सैरी नहीं मिली, लेकिन लोगों ने दिलो जान से उन्हें बचाया। और ये एक दावत इस्लामी वाले थे, वो दिलो जान से लगे हुए थे, और पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले बेचारे बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, और जो भी मिल रहा था उसे फौरन लाके एम्बुलेंस भी आ गई थी, कैट्स की एम्बुलेंस थी, दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस थी, तो लोगों को जो है वो हाथों हाथ ले जा रहे थे। बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल वेस्ट किए बिना सारे काम हो रहे थे। एम्बुलेंस लगी हुई है और सारे लोग दुआ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ताजात में दुआ कर रहे हैं और बचा रहे हैं बहुत से लोग। इसका मतलब पूरा कबीर नगर जो आसपास के इलाके थे, जिसने भी देखा सुना, बेचारे सारे लोग चले आए और सबने जो भी जैसी भी हेल्प हो सकी लोगों ने की। और एक लड़के का नाम था अरशद, उसकी डेथ हो गई थी, और एक लड़का जो है सही निकला था बाद में, उसका नाम था तालिब शायद, वो उसकी डेट हो गई थी बाद में। तो ये जो भी लोग ये नहीं देख रहे थे कौन किसका है कैसा है, सब बेचारे बचा रहे थे, और ये मुल्ला जी सामने थे, ये हर मिनट पे अपडेट दे रहे थे अंदर से। पब्लिक को रोक रखा था बाहर खड़े होने के लिए कि आप इधर ही खड़े रहिए क्योंकि गली में जाएंगे। एक उसका हिस्सा आगे का और जो था वो कंजेस्टेड था, तो शायद वो भी गिर जाता, इसलिए पब्लिक को बाहर रखा गया था, रोड पर खड़ा करा गया था ताकि अंदर को ना जाएं। कुछ लोग ही जा रहे थे अंदर जो बचाने वाले थे, वो भी बेचारे हेलमेट लगा कर आप देखेंगे वीडियो में, हेलमेट लगा कर बचा रहे थे, और एक एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी, एक एम्बुलेंस लेके जा रही थी। कोई किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं थी, सारी सुविधा हाथों हाथ मिल रही थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे फायर ब्रिगेड की हो, एम्बुलेंस की हो, पब्लिक की हो, और सब लोग बेचारे दुआ कर रहे थे और हर पल की अपडेट दे रहे थे, और पब्लिक ने भी बहुत साथ दिया, सबका जो है बहुत कोऑपरेट करा पब्लिक ने, कोई ऐसी बात नहीं आई इतनी भीड़ में। और ये मकान बन रहा था बराबर में, तो ये उसका काम चल रहा था मकान का, तो उन्होंने 2 मंजिल का मलबा जो है लाकर तोड़ रहे थे जो मकान, तो 2 मंजिल का मलबा इकट्ठा कर नीचे पहली मंजिल पर डाल दिया। जब पहली मंजिल पे मलबा डाला तो पहली वाली मंजिल पे लोड ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से जो है उसकी दीवारें कमज़ोर हो गई और वो जमी दोष हो गई। तो इसमें 3 लोग 4 लोग दबे। अब ये पता कैसे लगा कि 3 4 लोग कौन दबे, तो 5 मिनट पहले गिरने से 5 मिनट पहले एक लड़का जो उस मकान के अंदर मौजूद था वो किसी काम से बाहर आया कुछ सामान लेने के लिए, और नसीब अच्छा था उसका, तो जब वो बाहर आया और जब वो बाहर आके वापसी जा रहा था तो एकदम भगदड़ मच गई, लोग चिल्लाने लगे कि मकान गिर गया, मकान गिर गया।
तो उससे सब लोगों ने पूछा कि कितने लोग थे, तो उसने बताया कंफर्म कि 4 लोग थे। ऐसे पता लग गया कि 4 लोग थे, अगर वो भी अंदर होता तो किसी को पता ही नहीं लग पाता कि थे कितने लोग, क्योंकि फिर तो ये होता पता नहीं कितने होंगे, कुछ बच जाते कुछ बाद में मिलते सुबह। अब वो लड़के ने जो बताया कि 3 लोग हैं, तो उसकी बताने पर लोगों ने कोशिश करके तीनों को निकाला, बहुत मेहनत लगी, तो एक बच्चा भी था उसमें। अब ये नहीं पता ये लड़के हैं कहाँ के क्या है, बस इतना पता था कि कटिंग रूम है नीचे और कटिंग चल रही थी, मकान ऊपर से बन रहा था तो जो है उसे गिरा रहे थे हथौड़े से, और दिन में मजदूर गिराते थे और रात को जो है ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। नीचे कटिंग भी हो रही क्योंकि ईद का टाइम है, रमजान चल रहे हैं तो काम भी कर रहे थे वो, तो ये बस लेबर ही थी। अगर पूरा मकान होता तो पहली बात, अगर मकान पूरा होता तो गिरता ही नहीं, ये कुछ गलती रही उनकी लेबर की, जो सारे दोनों मंजिलों का मलबा लाके एक मंजिल पे इकट्ठा कर लिया, और वो जब लोड उस पर एक मंजिल पे हुआ तो वो नीचे को गिर गई। तो वहाँ पे कुछ एक लड़का गार्डर में फंसा हुआ था, तो वो गार्डर काटा हाथों हाथ, गार्डर वाले को बुलाया जो गार्डर काटने वाला था मिस्त्री। अभी देखो कैसे भाग के लेके आ रहे हैं, अब ये बेचारे को लेकर आए हैं भाग कर, तो ये इसकी डेट हो चुकी है शायद। अब देखो तो ये दावत इस्लामी की टीम है जो बहुत ही लगन से और मेहनत से कार्य कर रही है, और अल्लाह ऐसे ही सबकी एकता बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे, जो एक दूसरे के काम में आते रहें सारे लोग, और पुलिस वाले हों कोई भी हो, सब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। और ये हादसा 3 बजे हुआ था रात को, और शहरी का टाइम चालू हो जाता है जब, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ इसलिए थी कि शहरी का टाइम चालू था, शहरी हो रही थी इसलिए सारे लोग जगे हुए थे। और कुछ लाइव जब चला हिंदुस्तान लाइव पर, तो आधे लोग तो लाइव देख देख के आ गए, जमुना पार के जितने लोग थे काफ़ी तादाद में लोग थे, जो भी आ रहे थे दुआ कर रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे, हम खुद दुआ कर रहे थे वहाँ पे खड़े हुए, हमें भी पता लगा, हम लाइव देख कर अगर गए हिंदुस्तान लाइव पर। और ये जो पुलिस वाले हैं ये पब्लिक को साइड कर रहे हैं, क्योंकि दीवारों पर ऊपर पब्लिक चढ़ हुई है नाले की, तो अब पब्लिक बहुत थी पूरा रोड अंदर का, और ये सब तो सारे लोग दुआ में थे, दुआ कर रहे थे, कुछ लोग मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के दुआ कर रहे थे, कुछ लोग बचा रहे थे। तो ये बड़ा खतरनाक मंजर था, मैंने अपनी आंखों से देखा जब उसे निकाल कर लेके गए, मैं अंदर भी गया था, अभी जाऊंगा अंदर, तो बड़ा खतरनाक। ये जानकारी दे रहे हैं भाई आके अंदर से हर 5 मिनट बाद कि कौन क्या नाम था, क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में गए, तो ये सारी जानकारी दे रहे हैं भाई आके। फरहान भाई लाइव कर रहे हैं ऊपर बैठे हुए, तो सबकी आंखें नम थी क्योंकि अब ईद आने वाली है, तो किसी का लाल, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो इसलिए सब अफसोस कर रहे थे। और ये दुआ हो रही है, ये सबको निकाल लिया गया है, आप देख सकते हैं हालत इनकी कैसे बचाया है इन्होंने, हेलमेट पहन कर, क्योंकि दूसरे हिस्से का भी खतरा था वो ना गिर जाए कहीं, तो इन्होंने भी अपनी जान जो है रिस्क लिया अपनी जान का। तो इन्होंने अब ये दुआ कर रहे हैं दावत इस्लामी वाले नूर नबी मस्जिद के, ये टीम है पूरी, अल्लाह इसे ऐसी काम करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे। तो ये न्यूज वाले भी बहुत से आए हुए थे रात को, तो ये दावत इस्लामी वाले हैं, इन्होंने बचाने के बाद जब सारे लोग निकल गए तो अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह जो भी इसमें घायल हुए हैं, जो भी इंजर्ड हैं, जो भी बीमार हैं, तो सबको सेहत शिफा अता फरमा, तो ये सभी दुआ करी, क्योंकि रमजान का महीना है, तो इसमें लोगों की दुआ खाली नहीं जाती। तो ये भी अभी सबको बचा लिया गया है, तो थोड़ा अफसोस भी है, खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि सबको बचा लिया गया, और अफसोस इस बात का है कि कुछ जाने भी चली गई इसमें। तो ये अब शहरी का टाइम हो गया, तो हम चलते हैं, तो आप लोग भी दुआ करें जो बीमार हैं उनके लिए, जो भी जिनकी हालत थोड़ी नाजुक है, आप लोग सब वीडियो देख कर दुआ करें। बड़ा अफसोसनाक मंजर था ये, हर तरफ अफरा तफरी थी, तो आप लोग दुआ करें।
सपने।